तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है ह्यूंडई क्रेटा एस एक्स टेक IVT, जो कि आ जाता है ऑटोमेटिक वेरिएंट। आप देख सकते हैं फ्रंट में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है, SUV न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट में। तो इसको कर लेते हैं ओपन और चलिए देख लेते हैं। तो फ्रंट में जो है आपको ग्रिल यहाँ पर सिल्वर डार्क क्रोम देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। DRLs कनेक्टिंग देखने को मिल जाएगी विद डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर के साथ में। LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं प्रोजेक्टर वाले। यहाँ पर 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 195 का ग्राउंड क्लियरेंस है। ऊपर रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है। ऑटो की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ऑटो फोल्डेबल यहाँ पर जो है वो मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसकी इंडिकेटर की लाइट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है मिरर पर, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। मिरर के नीचे आपको पेडल लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स दी गए विथ रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। तो अभी इसको कर लेते हैं डोर को ओपन और चलते हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं डोर पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर के साथ में यहाँ पे ड्राइवर्स अप डाउन विंडो, यहाँ पे पावर विंडो देखने को मिल जाते हैं। ट्विटर्स यहाँ पे डोर पे देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। लेदर वेपेड यहाँ पे जो है स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा, इसके साथ आप देख सकते हैं सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो पहले से बेहतर बने गए। यहाँ पर पावर एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलते आपको। यहाँ पर डोर्स का फ्लैट कंपनी फिटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिया गया है पहले की तरह से। अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम वाली जो है फिलनेस यहाँ आ रही है, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी में आप देख सकते हैं ह्यूंडई का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग के बीच में लेदर वेपर स्टेयरिंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पुश स्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्निशन ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं। फ्रंट में जो है वो यहाँ पे पैनोरामिक कॉकपिट टाइप यहाँ पे अटैच्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटो गियर नॉब देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे AC वगैरह जो सेटिंग है ड्यूअल जोन, यहाँ पे AC देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव साउंड सिस्टम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। फिर ये वाला जो कंट्रोल सिस्टम है वो आप AC वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों का अलग अलग, आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिया गया है। यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग माउंटेड सारे के सारे ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। मोड्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फेवरेट लिस्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है वो यहाँ पे साइड में आप क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे राइट साइड में। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेटिव सिस्टम में जो आप चेंजेस कर सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर और एडास वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एडास यहाँ पे जो है ऑन हो चुका है, अभी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बैटरी डिस्चार्ज वाला लिखा हुआ आ रहा है। चलिए गाड़ी को खोल लेते हैं अभी स्टार्ट, आप देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही इसका इंजन भी काफ़ी ज़्यादा जो है साइलेंट देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नीचे जो है आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग के साथ में। फिर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं किए गए हैं पहले की तरह। जैसे क्रेटा में आता था वैसे ही यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाला है वो स्पीडोमीटर है, ये वाला RPM का काटा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं डिजिटल में। उसके बाद यहाँ पे इंजन हीटिंग का यहाँ पे काटा देखने को मिल जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी का काटा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी के स्पीड सीट बेल्ट रिमाइंडर पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो है डैश सिस्टम है उसका जो रडार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ब्लू लिंक फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है डे नाइट ORVM के साथ में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ISG यहाँ पे आइडल स्टॉप एंड गो का इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हेडलैम्प वगैरह एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे नॉब यहाँ पे लेदर वेपर दिया गया है। पार्किंग, रिवर्स, ड्राइव और न्यूट्रल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रिवर्स लेते ही यहाँ पे कैमरा वगैरह गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। सेंसर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लस्टर में भी, और यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेटिव साउंड सिस्टम में भी। यहाँ पे ड्राइव में डाल के आप न्यूट्रल भी चला सकते हैं पेडल शिफ्टर्स की मदद से, प्लस माइनस वगैरह अप डाउन गियर कर सकते हैं। वापस से पार्किंग में ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो लेटर कर देंगे डिस्प्ले पे। यह पूरे का पूरा 10 इंच का यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव साउंड सिस्टम है। ओवर द मैप अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक बढ़िया फैसिलिटीज़ जो ह्यूंडई प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर C2C भी देखने को मिल जाता है, C2C टाइप नोज के साथ में। यहाँ पे जो है वो और भी यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है, और USB जो है वो यहाँ पे केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है AC वगैरह यहाँ पे साइंक कर देंगे तो दोनों के दोनों यहाँ पे जो है AC सेम यहाँ पे चलने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो है वो अप एंड डाउन वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे AC हो गया बंद, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे
ढेर सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों के लिए अलग अलग। फिर यहाँ पे जो है वो आप इंफॉर्मेटिव साउंड सिस्टम में जाएगा, मैप नेविगेशन फ्रंट प्रोजेक्शन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और व्हीकल सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ब्लू लिंक वगैरह कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर जो है एडास लेवल 2 का ऑप्शन दिया गया है जो कि 19 प्लस फीचर्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो है वो आपको एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाएंगी येलो कलर की, ग्लो बॉक्स कूलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है और जियो सावन फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है। जियो सावन आप कनेक्ट करके यहाँ पे जो है गाने वगैरह सुन सकते हैं। ड्राइव मोड सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं पीछे का जो है व्यू आप देख सकते हैं गाड़ी जब आप ड्राइव करते हैं। यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं विथ आर्मरेस्ट के साथ में, आर्मरेस्ट भी आपको लेदर का देखने को मिल जाता है जो कि एक बढ़िया यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लेदर का आर्मरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं माइक्रोफोन दिया गया है। उसके बाद आप वन टच करते ही आप देख सकते हैं सनरूफ पूरे का पूरा पैनोरामिक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, दो आदमी आराम से जो है सनरूफ के ऊपर जो है खड़े रह सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। बोस का जो है यहाँ पे भी आपको जो है लोगो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टेयरिंग भी आप जो है अपनी तरीके से यहाँ पर जो एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एकदम स्पोर्टी वाला जो है यहाँ पर फीलिंग आता है गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं। पूरे का पूरा यहाँ पे जो है सिस्टम वगैरह चेंज कर दिया है, ऊपर जो है आपको सबवूफर देखने को मिल जाएगा इन्फॉर्मेटिव साउंड सिस्टम में, मैप वगैरह दिया गया है। तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ, तब तक के लिए आप चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आपको सेम वैसे के वैसे पहले क्रेटा में आता था वैसे ही यहाँ पे जो आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिल्वर आर्च यहाँ पे दिया गया है, शार्क फिन यहाँ पे दिया गया है, ड्यूल टोन यहाँ पे स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, सेम यहाँ पे जो है वो फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आप बैठते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्फर्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है, रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे विथ चार्जिंग नोस के साथ में, दो चार्जिंग नोस यहाँ पे दिए गए हैं, C2C पावरफुल यहाँ पे दिए गए हैं, और बीच में जो है आपको आर्मरेस्ट दिया गया है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो, और 3-point सेट बेल्ट रिमाइंडर के साथ में। यहाँ पे जो है कंपनी के जो है नेक रेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं क्रेटा की ब्रांडिंग वाले। ओवरऑल यहाँ पे जो है पीछे की सीटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टनेस यहाँ पे फील होता है, आप देख सकते हैं लेगरूम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है, प्लस हेडरूम भी देखने को मिल जाता है। कंपनी फिटिंग यहाँ पे कर्टेन दिए गए हैं, पर्दा वगैरह जो है आप रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी बोस की प्रीमियम साउंड सिस्टम, वाह भाई वाह, बोस का यहाँ पे हर जगह लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्पीकर में भी सब जगह पे। तो यहाँ पे दरवाजे को कर देते हैं बंद, अभी चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड भी काफ़ी ज़्यादा जो है शानदार की गई है, एकदम वेन्यू के जैसे ही यहाँ पे जो है आपको कनेक्टिंग LED टेल लैंप देखने को मिल जाती है, SX की ब्रांडिंग और क्रेटा यहाँ पे क्रेटा की भी यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। रियर वॉशर वाइपर विद डिफोगर ग्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ में। बूट को कर लेते हैं ओपन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी फिटिंग कैमरा, और उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल 475 लीटर की यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। नीचे जो आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील जैक पाना टोमी वगैरह यहाँ पे जो आपको नॉर्मल वगैरह देखने को मिल जाएगी किट वगैरह के साथ में। पार्सल ट्रे यहाँ पे जो निकाला गया है, बोस का सबवूफर दिया गया है, यहाँ पे रूम लैंप देखने को मिल जाता है, सीट्स वगैरह जो आप फोल्ड कर सकते हैं, और सोफ़ा वगैरह जो है बना सकते हैं आप। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ये वाला वेरिएंट आप देख सकते हैं, और ये ऑन रोड पड़ जाएगा आपको पेट्रोल वेरिएंट 18-18.5 लाख के आसपास। आप देख सकते हैं फुल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 45 लीटर की देखने को मिल जाती है पेट्रोल में, सेम यहाँ पे जो है वो डीजल में आपको ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बट ऑटोमेटिक नहीं आता, मैनुअल आता है। आप देख सकते हैं फ्रंट में DRL काफ़ी ज़्यादा चमचमाती हुई लग रही है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमारी चैनल पे जो नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।